साथियों नमस्कार, मैं सुमेर चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने इस लाइब्रेरियन गुरुजी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, क्लासिफिकेशन के तहत अब तक हमने जितना भी कुछ पढ़ा है वहां से आपकी परीक्षा में कैसे कैसे क्वेश्चन बनकर आ चुके हैं या इन फ्यूचर बनकर आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों की चर्चा आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एक एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत से क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। कंसेप्ट के साथ साथ हम क्वेश्चन भी देखते हुए चलेंगे ताकि अपना कंसेप्ट बहुत अच्छे से तैयार हो जाए, वहां से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब भी अपने तैयार हो जाए और फिर उसके बाद जब हम एग्जाम देंगे तो फिर एग्जाम देने का आनंद ही कुछ अलग होगा। तो चलिएगा करते हैं प्रारंभ आज की इस प्रश्न श्रृंखला को। देखिएगा और कोशिश करिएगा कि आप सभी प्रश्नों के देखे जवाब दे पाए। कितने प्रश्नों के जवाब आप दे पाते हैं यह भी अपना आकलन आपको स्वयं को करना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कोशिश करिएगा आप जवाब दे पाते हैं क्या। जो पढ़ाया है उसी में से क्वेश्चन है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय से संबंधित दस्तावेजों को एक स्थान पर लाने के लिए है। एक विषय से संबंधित दस्तावेजों को एक स्थान पर लगाने से संबंधित है या लाने से संबंधित है, बताइएगा। एक विषय से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको एक स्थान पर लाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपके सामने है क्लासिफिकेशन, दूसरा ऑप्शन है कैटालॉगिंग, तीसरा ऑप्शन है इंडेक्सिंग और चौथा ऑप्शन है आपके सामने एब्स्ट्रैक्टिंग, अर्थात सार की बात हो रही है। बताइएगा क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण है या सूचीकरण है या इंडेक्सिंग है या फिर सारकरण है। चारों में से इसका सही जवाब क्या होगा। जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन की शुरुआत करी थी, क्लासिफिकेशन की कुछ परिभाषाएं बताई थी, उस समय इसके संबंध में बहुत अच्छे से बात करी थी। क्लासिफिकेशन का अर्थ ही बोले ये होता है कि समान विषयों को एक जगह व्यवस्थित किया जाए। तो बिल्कुल एक जैसे विषय से संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं वो सारे के सारे एक स्थान पर लगाए जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, बोले सर आंसर ए होगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कोशिश करिएगा पहले आप जवाब दें उसके बाद मैं बताऊंगा भाई। पुस्तकों को विषय के आधार पर किसी पहचानने योग्य तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किए गए वर्गीकरण को क्या कहा जाता है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए उसके बाद मैं आपको इसका जवाब दूंगा। कंटेंट क्लासिफिकेशन है क्या, बुक क्लासिफिकेशन है क्या, नॉलेज क्लासिफिकेशन है क्या, या फिर ए व बी दोनों है। पढ़ लीजिए आराम से और फिर जवाब दीजिए। विषय के आधार पर किसी पहचानने योग्य तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किए गए वर्गीकरण को हमें पुस्तक वर्गीकरण कहते हैं, बुक क्लासिफिकेशन कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद कर लेना ऐसे कि ऐसे, ये आपकी परीक्षाओं में छपने वाले हैं ये क्वेश्चन। चलिएगा तीसरा क्वेश्चन फिर से आपके सामने है, देखिएगा। पुस्तकालय वर्गीकरण क्या है, यह किसी पुस्तक के विषय के नाम का, यह किसी पुस्तक के विषय के नाम का क्रमिक संख्याओं की पसंदीदा कृत्रिम भाषा में अनुवाद है। क्रमिक संख्या अर्थात ऑर्डिनल नंबर, कृत्रिम भाषा अर्थात आर्टिफिशियल लैंग्वेज में अनुवाद है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, पुस्तकालय वर्गीकरण के। आपको उसका नाम बताना है, उस विद्वान का नाम बताना है जिन्होंने ये परिभाषा दी है। कहा है वर्गीकरण के विषय में, बोले यह किसी पुस्तक के विषय के नाम का क्रमिक संख्याओं की पसंदीदा कृत्रिम भाषा में अनुवाद है। कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना है पुस्तक के विषय के नाम का, आर्टिफिशियल लैंग्वेज में। ऑर्डिनल नंबर
और आर्टिफिशियल लैंग्वेज की बात अपनी परिभाषा में, इसीलिए मैंने इंग्लिश में डाला है इनको, यहां से पकड़ लेना, ऑर्डिनल नंबर और आर्टिफिशियल लैंग्वेज की बात एस आर रंगानाथन के द्वारा की गई थी। कहां गया ये रहा, डी ऑप्शन एस आर रंगानाथन इसका सही आंसर होगा। चलिएगा बढ़ते हैं अगले सवाल पर, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है भैया, देख लेना, नोट कर लेना इसको, अगर छूट गई है तो कंसेप्ट के साथ में नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्गीकरण एक है, क्या है वर्गीकरण बोले, है ना, चार ऑप्शन आपके सामने है, पहचानिएगा और सही जवाब दीजिएगा। पहला ऑप्शन वर्गीकरण बोले एक मानसिक प्रक्रिया है, दूसरा ऑप्शन बोले वर्गीकरण एक यांत्रिक प्रक्रिया है, वर्गीकरण एक अर्ध यांत्रिक प्रक्रिया है, या फिर वर्गीकरण सार है, एब्स्ट्रैक्ट है, क्या है भाई वर्गीकरण, क्या है, मानसिक प्रक्रिया है क्या, या फिर यांत्रिक प्रक्रिया है क्या, अर्ध यांत्रिक है, या फिर सार है। आप कहेंगे बोले गुरुजी वर्गीकरण एक मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया क्या है, वर्गीकरण है, वर्गीकरण कैसी प्रक्रिया है, बोले मानसिक प्रक्रिया है, ऑप्शन देख लीजिएगा भाई। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्या कहता है आपका अगला क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया क्या, वर्गीकरण किसी पुस्तक के विषय के नाम का क्रम दोबारा से आ गया, कोई बात नहीं है तो अपन ने देख लिया था, इसका आंसर क्या होगा, एस आर रंगानाथन। चलो जी बताइएगा, सूक्ष्म प्रलेखों का प्रतिनिधित्व करने के लिए विस्तृत वर्गीकरण जाना जाता है, विस्तृत वर्गीकरण अर्थात डिटेल्ड क्लासिफिकेशन, डिटेल्ड क्लासिफिकेशन को किस नाम से जाना जाता है, सूक्ष्म प्रलेखों का प्रतिनिधित्व की बात कर रहा है ये, सूक्ष्म प्रलेखों का जो आपके माइक्रो डॉक्यूमेंट होते हैं ना उनकी बात कर रहा है, सूक्ष्म प्रलेखों का प्रतिनिधित्व करने के लिए विस्तृत वर्गीकरण किस नाम से जानी जाती है। आप कहेंगे सर डेप्थ क्लासिफिकेशन के नाम से जानी जाती है, डेप्थ क्लासिफिकेशन अर्थात गहन वर्गीकरण के नाम से जानी जाती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, सब के सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस रखेंगे भाई, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन करिएगा फिर से ट्राई, हो पाता है कि या नहीं, त्वरित और आसान पहुंच के लिए, त्वरित का मतलब फटाफट है, आसान का मतलब कोई दिक्कत नहीं हो, त्वरित और आसान पहुंच के लिए पुस्तकालय सामग्री को व्यवस्थित करने का सबसे संतोषजनक आधार क्या है, सबसे संतोषजनक आधार बताना है आपके सामने। फिर से चार ऑप्शन है, त्वरित और आसान पहुंच के लिए पुस्तकालय सामग्री क्या होती है, बुक्स वगैरह होती है आपके, पुस्तकालय सामग्री को व्यवस्थित करने का सबसे संतोषजनक आधार, तो देखिएगा अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट, ऑथर इंडेक्स, बोले सर बात ही नहीं करी अपन ने इसकी, तो अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट, टाइटल इंडेक्स, बात ही नहीं करी बोले, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, विषयों के आधार पर वर्गीकरण, बिल्कुल विषयों के आधार पर अगर हम वर्गीकृत कर देंगे तो बहुत स्पीड के साथ ढूंढ कर ला सकते हैं, कोई उसमें हमें परेशानी नहीं होगी, और पुस्तकालय सामग्री को तो वैसे भी हम विषयों के आधार पर ही व्यवस्थित करते हैं। सबसे बढ़िया तरीका लाइब्रेरी के अंदर क्लासिफिकेशन करने का विषय के आधार पर क्लासिफिकेशन करना ही बेस्ट माना जाता है, सबसे बढ़िया तरीका विषय के आधार पर पुस्तकों का वर्गीकरण करना सबसे बेस्ट माना जाता है, कोई समस्या नहीं होती और बहुत आसान भी होता है। चलिएगा फिर से एक और बेहतरीन क्वेश्चन, वर्गीकरण की भाषा है, वर्गीकरण की भाषा है, चार ऑप्शन आपके सामने है, क्या कृत्रिम भाषा है, क्या प्राकृतिक भाषा है, कठिन भाषा है, या सामान्य भाषा है, वर्गीकरण की भाषा कैसी होती है। तो देखिएगा प्राकृतिक का तो मतलब होता है जो पुस्तक के ऊपर नाम लिखा हुआ है सीधा का सीधा ऐसे लिख दे, बिल्कुल जब मैंने पढ़ाया था उस समय आपको बताया था कि कृत्रिम जो वर्गीकरण होता है वो क्या होता है, कृत्रिम होता है, तो ये लैंग्वेज कौन सी होगी इसकी, कृत्रिम भाषा है, क्लास नंबर बनाते हैं हम, जो पुस्तक का टाइटल है उसको बदलते हैं हम, कृत्रिम भाषा में परिवर्तित करते हैं, तो क्या है भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा बोले सर। अब कुछ लोग सोचेंगे कठिन भाषा है, भाई कठिन भाषा वाला तो कोई काम ही नहीं होता, कठिन तो कोई चीज होती ही नहीं है,
कठिन तो कब लगती है, जब वो हमें नहीं आती है। जब वो आ जाती है तो फिर वो सबसे सरल होती है। कठिन क्या है? आपकी सिर्फ और सिर्फ एक साइकोलॉजी है। मैं आपसे पूछूं कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, आप तुरंत बता देंगे, बोले सर इतना सरल प्रश्न। मैं आपसे पूछूं कि स्विट्जरलैंड के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, फिर आप कहेंगे बोले सर इतना टफ क्वेश्चन। भाई बात तो एक ही है, क्वेश्चन तो मैंने प्रधानमंत्री का ही पूछा है ना, लेकिन अब भारत का प्रधानमंत्री आप जानते थे इसलिए वो सरल हो गया, उसके बारे में नहीं जानते थे इसलिए वो कठिन हो गया आपके लिए। बाकी बातें दोनों एक ही है, मानसिकता का फर्क है सिर्फ। जो चीजें आती हैं वो सरल हो जाती है, जो नहीं आती है वो टफ होती है। तो ऐसा होता ही नहीं है बोले कुछ, तो कृत्रिम भाषा इसका सही जवाब होगा। चलिएगा खैर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिश करिएगा परफेक्ट जवाब आप दे पाए। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम LCC, जिसके लिए आप 1902/1904 पढ़ते हैं, 1902 और 1904 पढ़ते हैं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन के लिए। इसके विकासकर्ता बताना है आपको, विकास किसके द्वारा किया गया था LCC का। कई बार LCC के स्थान पे सीधा LC लिखा हुआ आता है तो भी घबराने की आवश्यकता कतई नहीं है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन के विकासकर्ता कौन है देखिएगा, क्या चार्ल्स मर्टेल हैं, क्या हर्बर्ट आपके पुतनम हैं, क्या CM हैंसन हैं, या मर्टेल और हैंसन हैं, दोनों हैं या एक एक हैं, या फिर पुतनम है। तो जब मैंने आपको LCC पढ़ाई थी तो बहुत अच्छे से लिखवाया था कि चार्ल्स मर्टेल और हैंसन और मर्टेल इन दोनों के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया था। ये दोनों इसके क्या थे, विकासकर्ता थे। तो सही जवाब क्या होगा भाई, डी होगा। तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे भाई, जो क्वेश्चन करा रहा हूं ये मान के चलिएगा आपकी परीक्षा में यहां से ही क्वेश्चन मिल जाएगा। जितने मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उनसे बाहर मुझे लगता नहीं है कि कोई क्वेश्चन जा पाएगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत है। एक बार सिलेबस हो जाने दो, मैं एक एक पॉइंट को उठा उठा करके उसमें से जितने बन सकते हैं ना वो क्वेश्चन भी करवाने की कोशिश करूंगा, और वो भी आपने तैयार कर लिए तो बहुत अच्छे नंबर आप निकाल लोगे एग्जाम में। चलो जी बात करते हैं ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग अर्थात BSO, जिसे मैंने ट्रिक भी बताया था, बोले BSO को बैसो पढ़नो है रहता है ना, बताया था भाई। चलो जी क्या है भाई, ये एक कैटलॉग कोड है क्या, क्या एक सूचीकरण संहिता है, एक क्लासिफिकेशन स्कीम क्या एक वर्गीकरण पद्धति है, या एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेज है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। BSO क्या है, BSO ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग क्या है भाई, एक वर्गीकरण की पद्धति है। BSO एक वर्गीकरण की पद्धति है, ऑप्शन हो जाएगा बी। कहा था ना बोले रब सो 7-8 कोट तो नेस सु फाड़ दियो है ना, तो 7-8-78 में आई थी कोटसु, ये कोट्स इसके डेवलपर थे, नेस सु फाड़ दियो तो यूनेस्को और FID ने निर्माण करवाया था, तो सब कुछ बताया था यार, इसका गलत करना ही नहीं चाहिए किसी को। चलो जी खैर अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने है, करिएगा फिर से कोशिश। निम्न में से वर्गीकरण की पद्धति नहीं है, वर्गीकरण की पद्धति नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ते समय हां और ना को आप अच्छे से देख लिया करो, यहां बहुत बार दिक्कत होती है, जल्दबाजी के चक्कर में हम इस नहीं को पढ़ते ही नहीं है, तो इसे भी अच्छे से देख लिया करो भाई। पहला ऑप्शन आपके सामने है DDC, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण पद्धति नहीं है, इनमें से कौन सी नहीं है वो पहचानी है। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन है क्या, आप कहेंगे हां जी गुरुजी बिल्कुल वर्गीकरण की पद्धति है, मेलविल डेवी वाली है ये तो। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन बोले हां जी, UDC पढ़ी थी हमने, आउटलेट फाउंटेन वाली, चलो जी ये भी बोले है, तो इसका आंसर ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता।
बोले इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, बोले हाँ जी ये भी होती है राइडर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन 61 वाली है ना एफएम राइडर, तो बोले ये भी थी सर। नेशनल क्लासिफिकेशन नाम की हमने कोई वर्गीकरण पद्धति नहीं पढ़ी, इसलिए आपका सही आंसर होगा डी। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। तो आराम से सोच समझ कर सवालों के जवाब देने की कोशिश आप किया करें भाई, जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, अभी आराम से सोच समझ के जवाब दिया करो। चलो जी, निम्न में से क्लासिफिकेशनिस्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा, एक और वर्ड आपके सामने है, नहीं है। क्लासिफिकेशनिस्ट, क्लासिफायर और क्लासिफिकेशनिस्ट दोनों का अंतर भी मैंने पिछली क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझाया था। चलो जी देखिएगा, क्लासिफिकेशनिस्ट नहीं है एच ई ब्लिस, दूसरा ऑप्शन है डब्ल्यू सी बी सेयर्स, तीसरा ऑप्शन है सी ए कटर और चौथा ऑप्शन है जे डी ब्राउन। चार ऑप्शन है, क्लासिफिकेशनिस्ट नहीं है। अब मैं एक बार फिर से बता देता हूं क्लासिफिकेशनिस्ट क्या है और क्लासिफायर क्या है। वैसे पिछली क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझाया था, क्लासिफिकेशनिस्ट का मतलब होता है जिसने किसी ना किसी वर्गीकरण पद्धति का निर्माण किया हो, पद्धति को बनाया हो, वो तो होता है क्लासिफिकेशनिस्ट। क्लासिफायर होता है कि बनी बनाई वर्गीकरण पद्धति का अपनी लाइब्रेरी में प्रयोग करने वाला, अर्थात लाइब्रेरियन प्रयोग करता है। आप लाइब्रेरियन बन जाओगे तो आप क्लासिफायर बन जाओगे, आपने किसी ना किसी वर्गीकरण पद्धति का यूज किया है जो ऑलरेडी बनी हुई है, यूज करके आपने अपनी लाइब्रेरी की पुस्तकों को वर्गीकृत किया है, वो होता है क्लासिफायर। वर्गीकरण पद्धति का निर्माण करने वाला होता है क्लासिफिकेशनिस्ट। तो देखो भाई किस किसने बनाई है, क्या एच ई ब्लिस क्लासिफिकेशनिस्ट है? आप कहेंगे हां जी, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्कीम इन्होंने तो दी है, बनाई है, इसका मतलब ये तो जवाब नहीं हो सकता। डब्ल्यू सी बी सेयर्स की आपने कोई वर्गीकरण की पद्धति पढ़ी है क्या? आप कहेंगे ना जी ना, हमने तो सेयर्स साहब की वर्गीकरण पद्धति कोई पढ़ी ही नहीं है। तो सही जवाब क्या होगा? बी होगा। सी ए कटर साहब की कोई वर्गीकरण पद्धति पढ़ी है क्या? बोले आप कहेंगे हां जी पढ़ी है, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन 91 वाली सी ए कटर साहब की थी। बोले और जेडी ब्राउन की भी पढ़ी है क्या? आप कहेंगे हां जी ब्राउन की तो हमने बिल्कुल पढ़ी है, क्विनन ब्राउन पढ़ी है, एडजस्टेबल क्लासिफिकेशन पढ़ी है, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन पढ़ी है। बोले इसकी तो सर हमने तीन तीन पढ़ रखी है, तो ये तो वैसे ही संभव नहीं हो सकता। हाँ, सेयर्स के द्वारा कोई भी वर्गीकरण की पद्धति नहीं निर्मित की गई, ये सवाल पूछा जाता है क्योंकि यहां बच्चे फंसते हैं, डब्ल्यू सी बी सेयर्स प्रसिद्ध नाम है, तो बच्चे सोचते हैं कि इन्होंने तो कोई ना कोई दी होगी जरूर से, और बच्चे यहीं फंस जाते हैं और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, बहुत परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, यहां मैंने लिखवाया ही नहीं है इस बार कि ये प्रश्न किस किस परीक्षा में पूछा गया है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन वही है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी परीक्षा में पूछ लिए गए हैं, बस मैंने उनको अच्छे से कलेक्ट किया है और जहां मुझे लगता था कि ये क्वेश्चन भी बन सकता है वो क्वेश्चन फिर मैंने नया बनाया है। बाकी ज्यादातर क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी परीक्षा में पूछ लिए गए हैं, वही क्वेश्चन कर रहा हूं मैं टॉपिक के साथ में, बस मैंने उनको कलेक्ट कर लिया है, उठा उठा के हर जगह से निकाल करके मैं उससे संबंधित टॉपिक के साथ जोड़कर आपको करवा रहा हूं, वो बिखरे हुए थे व्यवस्थित किया है और टॉपिक के साथ करवाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। चलिएगा अगला सवाल फिर से आपके सामने है, करिएगा कोशिश सही जवाब देने की। पुस्तकालय वर्गीकरण विशिष्ट विषय के नाम का अनुवाद है, देखिएगा दावा है ये ए है भाई, है ना, एक नहीं है ए है। दावा एक क्या है कि पुस्तकालय वर्गीकरण विशिष्ट विषय के नामों का अनुवाद है। चलो जी, कारण आर क्या कहता है कि यह पुस्तक के विषय का क्रमिक संख्याओं में कृत्रिम भाषा में अनुवाद है। दोनों चीजों में से बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। देखिएगा पहला ऑप्शन ए सही आर गलत, दूसरा ऑप्शन ए सही ए गलत आर सही, तीसरा है ए और आर दोनों सही, डी ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत। दोनों गलत, पहचानिएगा भाई
दो चीजें आपके सामने हैं, दोनों में से पहचानना है कि सही क्या है और गलत क्या है। अब यह चीज तो आपने तुरंत पहचान ली होगी, क्रमिक संख्याओं में कृत्रिम भाषा में अनुवाद, ये तो आपने अभी देख ली थी परिभाषा, आप इसको तो तुरंत पहचान गए, बोले सर ये बात तो सही है, आर तो पक्का सही है, आर तो पक्का सही है, बोले ये तो पक्का सही है, इसका भी पता नहीं है। तो देखो पुस्तकालय वर्गीकरण विशिष्ट विषय के नामों का ही तो अनुवाद करते हैं, उसमें विषय का नाम होता है बस उसका कृत्रिम भाषा में हम अनुवाद कर देते हैं, वही तो नंबर बनाते हैं ना, क्लास नंबर हम बनाते हैं, तो वही चीज तो है ये। तो दोनों चीजें यहां पर सत्य हैं, इसका मतलब आंसर क्या जाएगा, दोनों सही होने चाहिए। ऐसा ऑप्शन कहां है, ये रहा, ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही है। इस प्रकार से आप सवालों को समझ करके जवाब देंगे। अगला एक और बेहतरीन क्वेश्चन यह भी पूछा गया है, तो यह भी देख लीजिए। दावा ए क्या कहता है कि बड़ी संख्या में वर्गीकरण की योजनाएं हैं, बड़ी संख्या में वर्गीकरण योजनाएं मतलब वर्गीकरण की बहुत सारी योजनाएं हैं, खूब सारी हैं, बोले ये बात कह रहा है दावा ए तो कह रहा है। दावा आर क्या कहता है सुनिएगा, पुस्तकालय वर्गीकरण योजना वेब संसाधनों को व्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पर्याप्त है क्या, आप कहेंगे ना गुरुजी वेब संसाधनों के लिए तो पर्याप्त नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए सही आर गलत, तो ए सही कहा गया भाई, ए सही आर गलत, तो पहला ही ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। बहुत गजब के क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलिएगा अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आराम से पढ़िएगा और सही जवाब खोजिएगा। पुस्तकालय अध्यक्षता का आधार क्या है, बताया था पुस्तकालय अध्यक्षता का आधार क्या है, बताया था शेरस साहब की जब परिभाषा आई थी उसमें भी ये बात ऐसे की ऐसे छपी हुई थी, और मैंने कहा था कि जिसको वर्गीकरण करना ही नहीं आता भाई पुस्तकालय अध्यक्षता का आधार ही वर्गीकरण है, और अगर किसी को वो भी नहीं आता तो ऐसे आदमी को तो शेर को खिला देना चाहिए था, ये परिभाषा शेरस ने दी थी, बोले सर तो पहचानिएगा आंसर, वर्गीकरण करना ही नहीं आता, वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन, तो पुस्तकालय अध्यक्षता का आधार क्या है, क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। सही जवाब क्या होगा भाई, सही जवाब सी होगा। चलिएगा फिर से आपके सामने एक और क्वेश्चन है, पहचानिए सही जवाब को, क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन सा वर्गीकरण संबंधित दस्तावेजों को तुरंत ढूंढने में मदद करता है, संबंधित दस्तावेज को हम तुरंत ढूंढ सकते हैं, ऐसा कौन सा आपका वर्गीकरण से संबंधित दस्तावेजों को तुरंत ढूंढने में मदद करता है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है भाई, चारों में से पहचानिएगा, विषयानुसार लगाए तो, शीर्ष के अनुसार, लेखक के अनुसार या प्रकाशक के अनुसार, अभी पीछे भी एक क्वेश्चन आया था, तुरंत मिल जाएगा अगर हम विषयों को या फिर जो अपने लाइब्रेरी साइंस में ग्रंथ है उनको विषयों को अनुसार लगाएंगे तो हम उन्हें फटाफट ढूंढ सकेंगे और अपनी लाइब्रेरी को सही तरीके से व्यवस्थित कर सकेंगे, तो विषयों के अनुसार क्लासिफिकेशन करना चाहिए एक पुस्तकालय में, फटाफट उन्हें ढूंढने के लिए, तुरंत उन्हें ढूंढने के लिए विषयों के आधार पर क्लासिफिकेशन करना चाहिए। चलिएगा जी अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने है, पहचानिएगा, त्वरित और आसान पहुंच के लिए पुस्तकालय सामग्री को व्यवस्थित करने का सबसे संतोषजनक आधार क्या है, त्वरित, तो ये तो करवा दिया था मैंने पूर्व में, आ गया ये क्वेश्चन, तो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन इसका सही जवाब होगा। चलो जी सूक्ष्म प्रलेखों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, सूक्ष्म प्रलेखों का ये भी आ गया था, डेप्थ क्लासिफिकेशन इसका सही जवाब होगा। रिपीट हो जाते हैं भाई पीपीटी बनाते समय, कुछ क्वेश्चन दो बार ऐड हो जाते हैं, कोई नहीं खैर चलिएगा। वर्गीकरण की भाषा है, तो वर्गीकरण की भाषा कैसी होती है, कृत्रिम भाषा है, यह भी आ गया था, तो आंसर क्या था, ए
चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन में संपूर्ण ज्ञान को कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया है? यह क्वेश्चन बहुत गजब का है, बहुत बार पूछा जाता है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन में कुल कितनी मेन क्लासेज हैं? लिखवाया था, नोट डलवा के भी लिखवाया था, कल जो क्लास हुई थी उसमें ही मैंने आपको यह लिखवाया था, देख लेना जाकर के। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन कल वाली क्लास में था या फिर शायद जब अपन नॉलेज की मैपिंग कर रहे थे उसमें था, लेकिन ये मैंने करवाया है आपको। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज की जब हम मैपिंग कर रहे थे और उसमें एलसीसी पढ़ रहे थे शायद, एलसीसी उस समय मैंने आपको ये करवाया था कंप्लीट, बहुत अच्छे से साइड में ऐसे गोला बना के भी आपको दिया था, उसमें ये दोनों तीनों चीज डाली थी मैंने इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण थी, नोट डलवा के लिखवाया था। चलो जी, खैर, कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया है भाई संपूर्ण ज्ञान को एलसीसी में? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन में संपूर्ण ज्ञान को बोले सर 21 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यह प्रश्न बहुत बार पूछ लिया गया है, कई बार पूछ लिया गया है, इसका आंसर हमेशा 21 ही मानता है, याद कर लेना इसको ऐसे कैसे। अब ऐसा नहीं है कि अपन सारी मेन क्लासे एलसीसी की भी याद करने लग जाए, ऐसी बेवकूफियां नहीं करनी है भाई, बहुत और चीजें बहुत है यार पढ़ने के लिए, जो सिलेबस में दे रखी है क्लासिफिकेशन स्कीम उसको पढ़िए ना, थोड़ा डीप पढ़ना है तो। यहां से तो जो मोटी मोटी चीजें हैं जहां से सीधे क्वेश्चन पूछ लिए गए वो क्वेश्चन याद कर लो, सिर्फ सारी चीजें याद करने की आवश्यकता नहीं है, जो क्वेश्चन आ चुका है उसको एक बार देख लीजिए, अपने आप आंसर मिल जाएगा आपको। चलिएगा, बहुत गजब का क्वेश्चन, बहुत बार पूछ लिया गया भाई ये तो। गुजरात के किस विश्वविद्यालय पुस्तकालय में एलसीसी का प्रयोग किया गया है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन का प्रयोग किया गया है गुजरात के किस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में? एलसीसी का प्रयोग गुजरात की किस यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के पुस्तकालय में किया गया है, आपको यह बताना है। तो पहला ऑप्शन है गुजरात विद्यापीठ लाइब्रेरी, गुजरात विद्यापीठ लाइब्रेरी। दूसरा ऑप्शन है गुजरात यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तीसरा ऑप्शन है श्रीमती हंसा मेहता लाइब्रेरी। चौथा ऑप्शन आपका है सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। गुजरात का ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय पुस्तकालय है जिसमें ना तो डीडीसी का बोले, ना बोले गुरुजी सीसी का, इंडिया में तो मोस्टली यही चलती है, इन दोनों का ही प्रयोग नहीं किया गया और एलसीसी का प्रयोग किया गया है 1902/1904 वाली का। तो ऐसी कौन सी लाइब्रेरी है? आप कहेंगे सर श्रीमती हंसा मेहता लाइब्रेरी। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि श्रीमती हंसा मेहता लाइब्रेरी कहां पर स्थित है, यह बहुत बार पूछा जा चुका है इस लाइब्रेरी के विषय में भी। आप कहेंगे सर गुजरात में अवस्थित है, याद कर लेना भाई हंसा मेहता लाइब्रेरी कहां है, बोले सर गुजरात में है। जब पहली यूनिट मैंने आपको पढ़ाई थी अर्थात जो पुस्तकालय और समाज वाली यूनिट हमने पढ़ी उसके तहत मैंने यह भी बताया था कि हंसा मेहता लाइब्रेरी कहां है, बता रखा है मैंने वैसे आपको पूर्व में भी। चलो जी, खैर, निम्नलिखित में से कौन सी वर्गीकरण प्रणाली भारतीय पुस्तकालयों में आमतौर पर उपयोग की जाती है? अभी बता दिया यार, मुझे थोड़ी मालूम था अगला ही क्वेश्चन आ जाएगा ये। खैर, अब तो जवाब सही होना चाहिए यार तुम लोगों का। भारतीय पुस्तकालयों में आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली क्लासिफिकेशन की स्कीम कौन सी है, आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है लगभग लगभग लाइब्रेरीज में ही? तो क्या यूडीसी का किया जाता है, क्या डीडीसी का किया जाता है, या सीसी का किया जाता है, या बी और सी अर्थात डीडीसी और सीसी का किया जाता है, बताइएगा। सही जवाब भी मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में ही आपको बता दिया था। आप कहेंगे गुरुजी एक तो डीडीसी का प्रयोग किया जाता है लगभग लगभग और फिर सीसी का प्रयोग किया जाता है, तो भारतीय जो पुस्तकालय हैं उनमें डीडीसी और सीसी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आंसर अपना बनेगा डी अर्थात बी और सी दोनों। तो ऐसे सवाल आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं भाई और बहुत सरल है अगर आपने क्लास अच्छे से देखी है तो। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्कीम किसके द्वारा निर्मित की गई थी, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्कीम किसके द्वारा निर्मित की गई थी,
और फिर कब निर्मित की गई थी, दोनों चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिलहाल आपके सामने क्वेश्चन यही है कि निर्मित किसके द्वारा की गई थी, इसके डेवलपर कौन थे, यह बताना है। बिब्लियोग्राफिक, और मैंने कहा था बिब्लियोग्राफी को सदैव बबली पढ़ना है, कहा था ना, अब बिब्लियोग्राफी को नहीं है, बबली है यार ना, बबली है। और बबली क्या लगाती है रे, बताया था भाई, बबली स्कूल में भी जब जाती है, बबली कॉलेज में भी जाती है, तो भाई बिना ब्लीच किए जाती नहीं है, तो बबली ब्लीच करके जाती है, तो ब्लीच हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ब्लीच हो जाएगा बबली के लिए, बिब्लियोग्राफी के लिए। सही जवाब होगा बी ऑप्शन, बी इसका राइट आंसर होगा। चलो जी, खैर फिर से आपके सामने है, सन भी आ गई है, बहुत बार पूछी जाती है। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्कीम का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, आपको वर्ष भी बताना है, बहुत बार पूछा जाता है। क्या बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन 33 में आई थी, बोले ना ना, सीसी आई थी, बोले दरी बावड़ा को नहीं, हाँ बोले मैं। चलो जी, उसके बाद क्या 1938 में आई थी बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, बोले ना ना। क्या 1935 में आई थी या फिर 1932 में आई थी, आप तुरंत आंसर पहचानेंगे और कहेंगे, बोले सर बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन 1935 में आई थी। सही जवाब होगा सी, राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिएगा बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक एंड एजुकेशनल कॉन्सेंसस, ये नहीं है भाई, ये डॉट नहीं है, यहां गलती से लग गया है टाइपिस्ट के द्वारा। द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक एंड एजुकेशनल कॉन्सेंसस अर्थात वैज्ञानिक और शैक्षिक सहमति का सिद्धांत, वैज्ञानिक और शैक्षिक सहमति के सिद्धांत को प्रतिपादन या किसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, वैज्ञानिक और शैक्षिक सहमति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, इसके प्रतिपादक कौन थे, यह आपका सवाल है। प्रतिपादक का नाम आपको बताना है, वैज्ञानिक और शैक्षिक सहमति का सिद्धांत किसने दिया था, बताइए भाई। क्या जेडी ब्राउन थे, क्या मेलविल डेवी थे, क्या रंगनाथन थे और क्या ब्लीस थे, पहचानिएगा। बताया भी था वैसे मैंने आपको, क्लास के माध्यम से भी बताया था, तो सही जवाब क्या होगा, ब्लीस होगा। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन के अंदर किया गया है भाई इसका, है ना। चलो जी, खैर अगला क्वेश्चन देखिएगा। बीएसओ एक क्लासिफिकेशन स्कीम, BSO एक क्लासिफिकेशन स्कीम और या बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्कीम, या तो क्लासिफिकेशन स्कीम या स्विचिंग भाषा का विकास, दोनों रूप में जाना जाता है, इसको स्विचिंग लैंग्वेज के रूप में भी जाना जाता है और इसको एक क्लासिफिकेशन स्कीम के रूप में भी जाना जाता है, ये दोनों चीजें हैं, ध्यान रखना। ये एक क्लासिफिकेशन स्कीम भी है और एक स्विचिंग भाषा के रूप में भी कार्य करती है, तो दोनों का ध्यान रखिएगा। ये और है यहां, है ना, ओप नहीं है, ये और है, ये सुधार कर लिया करो, छोटी छोटी कोई ये छोटी मोटी हो जाती है चीजें टाइपिंग में, तो इनको ठीक कर लिया करो। बीएसओ एक क्लासिफिकेशन स्कीम या स्विचिंग भाषा जो है इसका विकास किसके द्वारा किया गया था, अरे बताया था अभी, बोले बैसो 7-8 कोट तो नेस सुई फाड़ दियो, तो नेस यूनेस्को, फाड़ एफआईडी, तो यूनेस्को और एफआईडी कहां है भाई, यूनेस्को एफआईडी तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो अपना आंसर क्या जाएगा, सीधा सीधा ए जाएगा, लेकिन दोनों होते, अगर एफआईडी भी ऑप्शन में होता तो वो भी हम चूज करते, उसे भी हम सिलेक्ट करते भाई। चलो जी, बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, देखिएगा आगे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं भाई सबके सब। वर्गीकरण में बीएसओ का अर्थ क्या है, वर्गीकरण के तहत पूछा है, वैसे तो पता नहीं और भी कुछ हो सकता है, लेकिन क्लासिफिकेशन के अंदर बीएसओ का संबंध या बीएसओ का अर्थ क्या है, पूरा नाम आपको इसका बताना है भाई। चलो जी, पहचानते हैं, देखते हैं ऑप्शन चारों। बीएसओ क्या बेसिक सब्जेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बेसिक सब्जेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है क्या, बोले गुरुजी दरी बावड़ा को नहीं, हमें
बिल्कुल ही ऐसी बेवकूफियां नहीं करेंगे। क्या ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग हो सकता है? आप कहेंगे हां जी बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, बी होगा। ना कि बिब्लियोग्राफी ऑफ सब्जेक्ट ऑर्डरिंग, ये भी नहीं होगा। बिब्लियोग्राफिक सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी नहीं होगा। होगा तो सही जवाब क्या होगा, ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग होगा। BSO का पूरा नाम क्या होगा, ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग होगा। चलिएगा बढ़ते हैं थोड़ा सा और भी आगे, और फिर से एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, सब्जेक्ट रेफरेंस कोड का संबंध किस वर्गीकरण पद्धति से है, ये याद कर लेना भाई, क्योंकि BSO को हम डिटेल से तो पढ़ नहीं सकते, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कई बार पूछ ली जाती है, लेकिन ये सीधे फैक्ट है, ये याद ही कर लेना। अब ये क्वेश्चन देखकर ऐसे मत सोचना कि सर BSO भी हम डिटेल से पढ़े या डीपली पढ़े, सिलेबस में नहीं है BSO तो इसको डीपली नहीं पढ़ना है, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैंने क्वेश्चन के रूप में डाल दी है, तो सीधा उसे याद ही कर लीजिएगा, आप कंसेप्ट के ऊपर मत जाइएगा ज्यादा, नहीं तो BSO पढ़ने लगोगे तो फिर ऐसे तो बहुत सी वर्गीकरण की पद्धतियां हैं, स्मार्ट तरीके से थोड़ा सा सोचिए, ऐसे नहीं करनी है बेवकूफियां। जो क्वेश्चन बन सकता था इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन के आ सकता था, और जो मैंने नहीं करवाया वो यहां डाल दिया है, ताकि गलती से भी अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन एग्जामिनर डाल दे तो हम छोड़ के ना आए। तो देखिएगा सब्जेक्ट रेफरेंस कोड का संबंध किससे है, BSO से है, मैंने अभी आंसर भी बता दिया तुम लोगों को, फ्लो ही फ्लो में है ना। चलो जी खैर बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा एक चीज अभी दे बता देता हूं मैं थोड़ी सी आपको, इसके बाद क्वेश्चन आएगा, एक नोट डालिए और ये नोट डाउन कर लेना, आप अपने नोट्स में नोट कर लेना इस चीज को, कई बार ये पूछा जाता है, स्ट्रासबर्ग समझौता, स्ट्रासबर्ग समझौता पूछा जाता है कि इसका संबंध किससे है, तो स्ट्रासबर्ग जो समझौता है, स्ट्रासबर्ग समझौता जो है, इसका संबंध है IPC से, और IPC का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन, इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन IPC का पूरा नाम है, पहली चीज तो ये। और जो स्ट्रासबर्ग समझौता है उसका संबंध है IPC से, अर्थात इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन से, पहली चीज तो ये हो गई। क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा कि इसका संबंध किससे है, आप कहेंगे IPC से है, IPC ऑप्शन में नहीं हो तो पूरा नाम मिलेगा, इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन से। अब समझिएगा थोड़ा सा, स्ट्रासबर्ग समझौता IPC के निर्माण और संशोधन का कानूनी आधार है। यह समझौता कब आता है, बोले सर 1971 में, इसका वर्ष भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो यह नोट कर लेना, ये इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन भी याद रखना, इसका संबंध स्ट्रासबर्ग समझौते से है यह भी याद रखना, उसके बाद और क्या याद रखोगे। जो स्ट्रासबर्ग समझौते को एक राजनयिक सम्मेलन ने अंतरराष्ट्रीय पेटेंट के संबंध में कब अपनाया था, आप याद रखना भाई 24 मार्च 1971 को, इसीलिए स्ट्रासबर्ग समझौता का जो वर्ष निकल के आता है वो 1971 निकल के आता है, लेकिन यह समझौता लागू होता है 1975 में, 1975 में। अब इतना ही ध्यान आपको रखना है, दो तो ये वर्ष याद रखने हैं 1971 और एक 1975, एक आपको याद रखना है कि जो स्ट्रासबर्ग समझौता है इसका संबंध किससे है, आप कहेंगे सर इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन से है, IPC से है, बस इतनी ही चीजें आपको याद रखनी है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, देखिएगा ये रहा क्वेश्चन, इस प्रकार से पूछा जाता है, यह भी देख लेना भाई, इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन की स्थापना किसने की थी, एक क्वेश्चन तो यहां से ये याद करना है आपको, इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन की स्थापना किसने करी थी, IPC की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तब तो आप कहेंगे बोले सर इसकी स्थापना विपो के द्वारा की गई थी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा करी गई थी। चलिएगा एक आपसे पूछा जाता है कि स्ट्रास जो स्ट्रासबर्ग समझौता है उसका संबंध किससे है, सीधा यही क्वेश्चन पूछता है ज्यादातर, तो इसका जवाब क्या दोगे आप, स्ट्रासबर्ग समझौते का संबंध किससे है, बोले सर IPC से है। ये दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं, मैंने दोनों बता दिया है, एक मौखिक बता दिया है, एक ऐसे बता दिया है, जो मौखिक बताया है वो भी मैं शामिल कर लूंगा, उसकी चिंता भी आप बिल्कुल मत करिएगा, या तो आज ही आ जाएगा या हो सकता है छूट गया हो तो, अभी तो बहुत क्वेश्चन करेंगे हम,
बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं, टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, कंप्लीट करवाऊंगा, चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, छोड़ेंगे नहीं हम किसी चीज को भी। देखिएगा बीएसओ एक सामान्य वर्गीकरण है, पद्धति, ये पद्धति है भैया, पद्धति है ना, बीएसओ एक सामान्य वर्गीकरण पद्धति पहली बार प्रकाशन हुआ। बीएसओ का पहली बार प्रकाशन कब हुआ है? टाइपिंग मिस्टेक कभी कभी कर देता है भाई, कोई नहीं, खैर बीएसओ एक सामान्य वर्गीकरण पद्धति का प्रकाशन कब हुआ है बताइए भाई, पहली बार प्रकाशन कब हुआ है इसका? तो क्या 1976 में हुआ है, क्या 1978 में हुआ है, क्या 77 में हुआ है, क्या 1979 में हुआ है? बताया था बैसो 7-8 कोट तो नेसु पार दियो, तो 7-8 अर्थात 78, तो बीएसओ वाला 78 में था बोले गुरु जी। इस प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन मिलते जाएंगे, साथ साथ कंसेप्ट करेंगे, कंसेप्ट के साथ इससे संबंधित क्वेश्चन भी करेंगे। अब जो अगली क्लास आएगी उसमें भी थोड़ा सा मैं पहले तो कंसेप्ट करवाऊंगा और उसके बाद थोड़ा सा ही करवाऊंगा, ज्यादा नहीं है, जो वर्गीकरण की पद्धतियों के प्रकार है पहले तो वो करवाऊंगा, फिर जो क्वेश्चन और बच गए हैं, हमने जो पूर्व में पढ़ लिया है वर्गीकरण, उससे संबंधित क्वेश्चन जो और बच गए वो भी करेंगे, वर्गीकरण की पद्धतियों से कैसे कैसे क्वेश्चन बनकर आते हैं वो सब भी करेंगे। अगर एप्लीकेशन में हमने कोर्स शुरू किया है तो उसका कुछ तो लाभ बच्चों को होना चाहिए ना, तो इसमें मैं बहुत से क्वेश्चन आपको करवाऊंगा बच्चों, बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, टॉपिक के साथ साथ मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं, टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो मैं साथ के साथ करवाते हुए चलूंगा, और एक बार तो सिलेबस हो जाने दो, उसके बाद तो मैं बहुत से क्वेश्चन तुम्हें और भी करवाने वाला हूं, जो करवा रहा हूं ना ये साथ साथ आप तैयार करते जाइए, आप लोग बहुत आगे निकल जाएंगे बाकी लोगों से, मैं लगातार आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ तन और मन के साथ मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। चलिएगा मिलते हैं तो अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।